आजकल की दुनिया में लोग कितना सोचते हैं कि क्या पहने क्या ना पहने, लेकिन एक इंसान है जो कभी नहीं सोचता क्या पहने या क्या ना पहने। उस बंदे के बारे में जिसके पास है रियल बॉल्स, जिसके बारे में पृथ्वी अर्थात अर्थ भी सोचती है मैंने इस बंदे को क्यों पैदा किया। आइए जानते हैं इस वीडियो में इस बंदे के बारे में विद गुलशन ग्रोवर। बैटमैन जी की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियंस के अवार्ड शो में भाई क्या पहन के गया, ऐसा पहन के गया कि सब लोग अवार्ड को बोल के इसको ही देखने लग गए। अगर बंदे के पास दाढ़ी नहीं होती तो लोग ये सोचते अरे ये तो लड़की है। आप देखो देखो फोटो तो देखो, अरे जूम करो जूम थोड़ा और करीब, और बेल्ट भी देखो लड़कियों जैसा पतला वाला लगा है। वैसे भी ये पहली बार नहीं था, इसके पहले भी लास्ट ईयर जीक्यू कोई अवार्ड शो में भाई ने स्कर्टी पहना था। वो अलग बात है, वो थोड़ा लंबा था, ये थोड़ा छोटा है। अब लास्ट ईयर की पिक भी देख लो। बैटमैन रणवीर हमें नहीं चाहिए बहना, प्लीज मेरे भाई भाई रहना। कल की बात है घर में हंगामा हो गया। हेलो मैम, हाँ वेयर इज माय स्कर्ट बेटी, वो रणवीर भैया पहन के गए होंगे। और ये तो इतना खतरनाक ड्रेसिंग स्टाइल है कि इसकी गर्लफ्रेंड दीपिका ने भी बोल दिया नो 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 नो, इतना बड़ा नो। सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, नए गीत पे नाच नचाने नए जमाने को। ड्रेसेस ऐसे मशहूर गुलाटी भी पूछता है, ऐसे कौन करता है भाई। मैं तो बस एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, रणवीर तुला डिजाइनर पे भरोसा? नायिका रणवीर का ड्रेस देखो, गोड़ पैंट के ऊपर स्कर्ट का झोल। रणवीर तुला डिजाइनर पे भरोसा? नायिका शाहिद के बर्थडे पे याद है ये ड्रेस पहन के गया था। अबे ये कौन सा ड्रेस है, अबे ये तो फुल ऑन प्रोटेक्शन है। लगता है बर्थडे पार्टी शायद ने खुले में दी थी, पूरा बॉडी ड्रेस से ढक लिया, बाकी चेहरे पे दाढ़ी है। मच्छर दूर के परेशान हो जाएंगे, दूर ना पाएंगे। मैंने मच्छर से बात की थी, अबे क्या बोल रहे हो, तो बोलते थे काटे तो काटे कैसे, बॉडी दिख नहीं रही। बट मेरे को एक बात बताओ, बर्थडे पे कोई ऐसी ड्रेस पहनता है? अबे ये तो खुद बलून पहन के गए थे, लोगों ने खूब मजाक उड़ाया। रणवीर को घंटा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि रणवीर खुद घंटा मान के गए थे। मुझे जो बेहुदा लगता है आपको शायद नहीं लगता है, आपको जो बेहुदा लगता है मुझे शायद नहीं लगता। ये ड्रेस तो देख लो ये, अबे अपनी वो पूजा, अरे दिन चेक पूजा, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर उसने बोला। हाँ जब मैं दिलों का शूटर मेरा स्कूटर चलाती हूँ तो मैं हाथों में ऐसे ग्लव्स पहन लेती हूँ जिससे मुझे सन बर्न का डर नहीं होता है। अबे स्कूटर की डिक्की खुली छोड़ दी थी, रणवीर ने निकाल लिया। तेरे तो पैर चुने चाहिए। ये देखो ये तो फुल पेटीकोट है, मम्मी परेशान। अबे मेरा पेटीकोट कहाँ गया, पता चला भाई पहन के गए। ये तब होता जब आपका धोबी कपड़े तो लेके जाता है लेकिन सारा देना भूल जाता है, तो फिर आदमी क्या करे, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। कल की मैं बात बताता हूँ, कल मैं गया क्लब, अबे डांस करने के लिए भाई की इच्छा हो गई तो मैं क्लब गया, पूरा सूट वूट पहन के गया था, लेकिन मेरे को बाउंसर कल्लू ने रोक लिया। मैंने कहा अरे भाई प्रॉब्लम क्या, अच्छा तो सूट वूट पहन के आऊँ। बोलता भाई साहब आपने चप्पल पहनी है। मैंने कहा बैडमैन इतना भी नहीं पता तेरे को, अभी नया फैशन है नया ट्रेंड है, हैशटैग ट्रेंडी है ये। मेरे को घुसने नहीं दिया तो मेरे को हंसी आ गई उस पे, अबे बंदर के जाने अदरक के साथ। मैं हंस के बाहर आ गया, मैंने कहा रणवीर बाबा जिंदाबाद। मैं कोख से ही ऐसा निकला, मेरे को तो लगता है रणवीर बाबा ने उस लाइन को बहुत सीरियसली ले लिया है। तुमसे ना हो पाएगा। और कैसे नहीं होगा अंकल जी, मैं करके दिखाऊंगा, ये लो। ओ ये देखो ये, अरे भाई ऐसे कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं लड़कियों को भी कॉम्प्लेक्स हो जाए। अबे लड़कियों को भी इन कलर्स के नाम याद नहीं होंगे। अब मजेंटा पिंक तक ही लिमिटेड हो। ये देखो ये कौन सा है, और ये देखो और ग्लैडिएटर सैंडल्स, और जूम करके दिखाओ जूम, बाबा ने कर दिया रॉक और लड़कियां हो गई शॉक। मैं बोल रहा हूँ लड़कियों, सरोजनी की शॉपिंग से ना हो पाएगा, फैशन स्ट्रीट जाना पड़ेगा बॉम्बे की। आई थिंक बाबा लड़कियों को मैसेज देना चाहते हैं कि देखो फुल ड्रेसेस में ही लोग ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, जहाँ लोगों का फैशन सेंस खत्म होता है वहाँ से भाई का शुरू होता है। भाई ने फैशन के गुरुकुल की सारी परंपराएं तोड़ दी है। परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन ये इस गुरुकुल के तीन स्तंभ। परंपराओं की माँ का पेटीकोट है नहीं मानना, लोगों ने स्पाइडरमैन सुपरमैन शक्तिमान की ड्रेसेस पहनी है, किसी ने मारियो की ड्रेस पहनी है और बाबा ने पहनी है। हाँ ये काला वाला ड्रेस देख लो, ये तो मच्छरदानी ड्रेस है। इस ड्रेस को देख के मेरे को आता वो गाना और ये वाली ड्रेस देखो, बाबा ने अपना सेकंड करियर ऑप्शन भी तैयार रखा है, जादूगर गोगा, इससे सारा काम होगा। मैं जादूगर है मेरा नाम गोगा, मुझ जैसा नहीं कोई होगा। वैसे भाई बहुत से कॉमेडियन भी हैं, बट कमाल की बात है भाई को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, अपनी ड्रेसेस से ही दुनिया को हंसा देते हैं भाई। लेकिन एक बात है, ऐसी ड्रेसिंग करने के लिए जिगरा चाहिए, कुछ भी हो जाए बंदे में आदम, और एक्टिंग भी तो क्या करते हैं भाई। अब लॉन्डे लॉडियों में कोई फर्क नहीं है, अगर लॉन्डिया जींस पहन सकती है तो लॉन्डे भी पेटीकोट स्कर्ट पहन के घूम सकते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत है इस वीडियो को शेयर कर दे, आपके कॉमेंट लाइक कर दे, और अपने ऐसे फैशनेबल दोस्तों को टैग मार दे, और चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो कृपा आएगी। हाँ चलो।